सोलन में भाजपा प्रत्याशी राकेश कश्यप ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपने वायदों को लेकर संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि सत्ता में आने पर वे क्या लक्ष्य रखते हैं और उसे कैसे पूरा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी राजेश कश्यप ने पूर्व विधायक और अपने ससुर धनीराम शांडिल का नाम लिए बिना ही उनकी नाकामियों को गिनाते हुए 15 बिंदुओं को लेकर संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि सोलन की जनता पानी के लिए प्यासी है और जनता पिछले काफी लंबे समय से पार्किंग की समस्या से परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं और शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे अगर सोलन की जनता उन्हें जिताती है तो वे इन सभी अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर सोलन को आदर्श शहर बनाएंगे। गौरतलब है कि भाजपा ने बेशक संकल्प पत्र जारी कर अपनी प्राथमिकताएं गिना दी हैं, लेकिन शायद भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक दूसरे पर छींटाकशी न करने की शपथ ले रखी है। यही कारण है कि दामाद और ससुर एक दूसरे को टारगेट किए बिना अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिनाने में लगे हैं, जिन्हें आम जनता तो क्या पार्टी कार्यकर्ता भी हजम नहीं कर पा रहे हैं। सोलन में हमने जो है अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी किया है, उसमें जितने भी हमारे मुख्य बिंदु 15 है, इन बिंदुओं पे हम आगे आने वाले समय में कार्य करेंगे। और सोलन में सबसे यहां पे पानी की जो व्यवस्था है उसको लेकर सोलन में दूसरी है कि यहां पे जो पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, और साथ ही साथ जैसे हमारे जो युवक है उनके लिए एक ग्राउंड की भी व्यवस्था जो है खेलने के लिए वो करनी है। इसी तरह के जो हमारे बहुत सारे बिंदु हैं उस पर हम आगे आने वाले समय में काम करेंगे।